Hello guys, this is Mansi from evidyarthi.in. Now we are starting with chapter number 1. This is an introduction video. इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि जितने भी यहाँ पे इस चैप्टर में आपके पास टॉपिक्स आए हैं वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइजेस करो तो आपको वो सब ऑलरेडी आता हो. सो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गई तो इसमें मोस्टली सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ. सबसे पहले चैप्टर का नेम है इंटीजर्स. इंटीजर्स होते क्या है? बेसिकली इंटीजर्स नंबर होते हैं, बट इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले तो इंटीजर्स में हमारे जीरो से लेके सारे नंबर आते हैं. ऑल्सो जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर. जीरो भी इंटीजर में आता है, राइट? अब जीरो से लेके सारे नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं. ये जो इंटीजर्स हैं, इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सब भी इंटीजर्स में आते हैं. ओके, जो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं जिनके साथ माइनस साइन नहीं होता, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड ये जो नेगेटिव है जिनके साथ माइनस का साइन है, दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स. नाउ दिस जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब कि ना तो ये नेगेटिव में आता है ना ये पॉजिटिव में आता है, लेकिन स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर. एंड जीरो से लेके ये नंबर्स इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे. सिमिलरली नेगेटिव नंबर भी इंफिनिटी तक, मीन्स आप कोई भी अगर नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 3, 1, 7, 8, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, और -6, 8, 7, 9, 4, 2, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर है इंटीजर होगा. लेकिन इस नंबर में अब क्या क्या नहीं आते? फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते. अगर हमारे पास लिखा है -6/4, सो दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये हमारा फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है. या फिर आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन है, सो ये भी इंटीजर नहीं है. और इफ वी हैव लेट सपोज 3.6, सो ये भी इंटीजर में नहीं आएगा. ओके, सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो जीरो आर इन इंटीजर्स. ठीक है, सो अब इन इंटीजर्स को सबसे पहले देखते हैं प्लॉट कैसे करना है नंबर लाइन में. अब हमें नंबर लाइन पे इंटीजर्स प्लॉट करनी है. सो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन कैसे होती है? सेंटर में हमारे पास होता है जीरो एंड राइट हैंड साइड पे टू द राइट ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. जीरो के साथ हमेशा वन होगा. सो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे ही जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो चलते जाएंगे. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अगेन कभी कभी हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करके ना यू मार्क कर देते हैं -1, -2, -3, बट दिस इज रॉन्ग. नेगेटिव साइड के भी अगर आपको करने, तो आपको स्टार्ट जीरो से इधर करने पड़ेंगे. सो ये हो जाएगा -1 जीरो के साथ. देखो जीरो के राइट हैंड साइड पे +1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है. सो ये 1 से ही जाएगा. सो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. सो इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स चलते जाएंगे. ठीक है, नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स के आपको प्लॉट करना है लेट्स सपोज -4, तो -4 आप कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे? ऐसे हमने नंबर लाइन बनाई एंड -4 यहाँ पे प्लॉट कर देंगे. ऐसे ही ये तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट था. अगर आपको -7 प्लॉट करना होता तो हम क्या करते? अपनी नंबर लाइन को एक्सटेंड करेंगे. इट विल गो लाइक दिस एंड देन दिस विल बी -5, -6, -7. सो ये हमारा हो जाएगा -7. सिमिलरली जैसे नेगेटिव नंबर्स प्लॉट करेंगे ऐसे ही पॉजिटिव नंबर्स. अगर आपको पॉजिटिव नंबर प्लॉट करने हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, ऐसे ही लेट्स सपोज आपको 7 प्लॉट करना है. सो यू विल गो लाइक दिस, दिस इज 6, 7, 8. सो दिस मीन्स दिस इज 7. ओके, सो दिस इज हाउ वी प्लॉट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. Now let's come to the next topic. Now our next topic is adding and subtracting integers. अब integers को add करना, subtract करना
कैसे करते हैं, वी विल सी हियर। इसके लिए हमारे पास देखो चार बेसिक से रूल हैं जो हमें थ्रू आउट जब तक आप मैच करोगे आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए। ऑल्सो ये एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी करते हो ना, प्लस माइनस की गलती पूरा आंसर गलत कर देती है, तो यह अच्छे से आपको समझना है। नाउ द फोर रूल्स आर प्लस माइनस। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, सो प्लस माइनस माइनस, ये नहीं देखना कि बीच में प्लस का साइन है या बीच में माइनस का साइन है, नंबर्स पे कंसंट्रेट करना है। देखो अब आपको थोड़ा सा एडवांस होना है, ऐसे नहीं कि अगर लिखा है 6 - 4 तो जी माइनस है तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। अगर ये -6 - 4 है तब भी आपको कि 6 नंबर और 4 नंबर के बीच में माइनस का साइन है तो हम इसे माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जब आप नंबर्स को रीड करोगे तो उसके आगे जो साइन है उससे रीड करोगे, ये 6 नहीं ये -6 है, ये 4 नहीं -4 है, ओके। सो आपको नंबर को साइन के साथ रीड करना है, बीच में साइन नहीं देखना, ओके। नाउ अभी हमने बात करी प्लस माइनस, माइनस होता है, सिमिलरली माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। मींस अगर दो नंबर है रिगार्डलेस कि पहले वाला प्लस है या पहले वाला माइनस है या दूसरे वाला माइनस है या प्लस है, अगर दो नंबर्स है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, अब इसमें तो कोई वो ही नहीं है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है मींस आपके पास है +3 + 6 तो यहाँ पे तो है ही प्लस का साइन तो हम प्लस ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर आपके पास है माइनस माइनस, लेट्स सपोज -3 - 6 सो यहाँ पे ये प्लस होगा माइनस नहीं होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा याद रखना है, अगर दो डिजिट्स के साइन अलग अलग हैं तो माइनस कर दो, अगर दोनों डिजिट्स के साइन सेम है तो प्लस, ओके। सो ये फोर रूल्स याद करने हैं, प्लस माइनस 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 प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस। सो अगर सेम है साइन तो प्लस होगा, अगर डिफरेंट है साइन तो माइनस होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले लेट्स टेक +6 - 4। अब यहां पे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे, सो 6 - 4 = 2। अब बात आती है कि जब आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये सब्ट्रैक्शन का समय या एडिशन का, जो भी आप कर रहे हो प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, नाउ द पॉइंट इज जो आपका आंसर आएगा उसके साथ क्या आएगा साइन, प्लस का आएगा या माइनस का होगा, मीन्स ये पॉजिटिव 2 होगा या नेगेटिव 2 होगा। सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर कब आते हैं, जब आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हो, फॉर एग्जाम्पल 7 - 9 माइनस करोगे तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि 7 - 9 माइनस तो हो नहीं सकता। सो अब ये हर बार देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज जो भी बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर 6 है, 6 और 4 में से 6 बड़ा है, 6 के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस रहेगा। अगर यही सेम होता -6 + 4, सो हम कैसे सॉल्व करते, माइनस प्लस माइनस, 6 - 4 = 2, लेकिन साइन कौन सा आता, अब 6 के साथ माइनस का साइन है सो ये होता -2। अंडरस्टैंड, साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट के साथ जो है वो वाला लगेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ओके। सो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स, माइनस चेंज कर देते हैं अब हम डिजिट, -3 - 9, माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 9 = 12, साइन किसका आएगा, यहाँ पे तो दोनों के साथ माइनस का साइन है बट आप सिर्फ बड़े वाले के साथ देखो, बड़े वाले के साथ माइनस है सो ये आ गया माइनस। ऑल्सो अगर दोनों नेगेटिव नंबर, तो चाहे ये -9 - 3 लिखा होता तब भी आपके पास -12 ही आता, ओके। सिमिलरली और कुछ एग्जांपल लेते हैं, +4 + 9, सो प्लस प्लस प्लस, 9 + 4 = 13, सो साइन किसका आएगा, दोनों के साथ पॉजिटिव है बड़े के साथ भी प्लस है तो ये आएगा प्लस। ऑल्सो अगर प्लस है तो आप नहीं भी लगाओगे साइन तो चलेगा, पॉजिटिव नंबर को आप 2 भी लिख सकते हो, मींस पॉजिटिव नंबर को बिना साइन के भी लिख सकते हो, ओके। सो ये था हमारा एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन इंटीजर्स। ये चार रूल्स हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे सिंपल सा हो चाहे डिफिकल्ट सा हो, ये हमेशा ध्यान रखना ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में गलती ना हो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज रिटन एज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 6 प्लस 4, ठीक है, 6 प्लस 4 लिखो इसको या 4 प्लस 6 लिखो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। मतलब आप 6 में 4 ऐड करो या 4 में 6 ऐड करो, दोनों में ही आपको 10 ही मिलेगा, राइट। सो दिस मींस ए प्लस बी, जिसमें ए कोई भी इंटीजर है बी कोई भी इंटीजर है, इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, मतलब आप आगे पीछे कर सकते हो। नाउ ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट्स सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, पहली बात तो यहाँ पे तीन इंटीजर्स हैं एंड दे आर सेइंग अगर तीन नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 2, 4, 5, ठीक है, आपको मैं कह रही हूँ कि आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। अब अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को कर लो फिर इसको कर देना, तब भी क्या आंसर आएगा, या इन दोनों को पहले कर दो फिर इसको कर देना, या फिर इसको और इसको पहले कर दो फिर इसमें कर देना, कर सकते हो ना, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि पहले यही दोनों होंगे फिर ये करोगे, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दे आर सेइंग कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, तो हमने 2 छोड़ दिया, लेट्स सपोज 4 और 5 को पहली प्लस करें फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, सो ये आएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 इज 9, सो 2 प्लस 9 इज 11। सो दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू, चाहे आपने इसका ग्रुप बनाया, अब आप पहले वाले दो कर दो 2 प्लस 4 प्लस 5, सो दिस विल बी 2 प्लस 4 इज 6 प्लस 5 इज 11। सो दिस मींस चाहे आप उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके प्लस करो इट विल बी इक्वल। सो ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, सो ये दोनों इक्वल होंगे। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे, प्रॉपर्टी का ये करोगे कि क्वेश्चन आएंगे आपको फिलअप्स के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास प्रॉपर्टी है, सो अगर मैं आपको दे रही हूँ, सो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 6 प्लस डैश इक्वल्स टू -5 प्लस डैश। अब आपको यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो कैसे फिल करोगे, लेट्स सपोज ये हो गया हमारा ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट, ये हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास -5, सो यहाँ पे बी आना है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा -5। सिमिलरली लास्ट में ए आना है, सो ए क्या है 6, सो दिस इज 6। ओके, सो इस तरह से आप प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको फिल कर सकते हो। सिमिलरली जैसे आपके पास इसका है, सेम आपके पास एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का भी आ सकता है, दैट कैन बी लाइक दिस इज 6 प्लस 4 प्लस डैश इक्वल्स टू -2, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ गया, इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं +-2। नाउ अगेन आपको इसको फिलअप करनी है जहां जहां पे ब्लैंक है, सो ये हो गया हमारा ए प्लस दिस इज बी प्लस सी, राइट, सो दिस विल बी ए
प्लस बी प्लस सी, राइट। सो अब ए क्या है 6, बी क्या है 4, सी क्या है -2, सारे मिल गए हमें। सो यहाँ पे सी पुट करना है विच इज -2। ऑल्सो ये चीज ध्यान रखनी, अगर आप दो साइन वाले एक साथ लेते, जैसे यहाँ पे प्लस है और आप नेगेटिव नंबर लिख रहे हो, तो आपको वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्लस माइनस एक साथ साइन आएंगे। नाउ ए क्या है हमारा 6, बी क्या है 4। सो इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की हेल्प से। ओके, सो लेट्स क्विकली रैप दिस। अब इसके बाद इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? अब रिपीटेड एडिशन होता है जब आप एक ही नंबर को बार बार एड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 2 + 2, सो यहाँ पे मैं 2 को एड कर रही हूँ। कितनी बार किया मैंने? 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स किया। सो अगर एक नंबर को आप बार बार एड कर रहे हो, सो ये इक्वल होता है 2 × 4, 2 को 4 बार प्लस कर रहे हो, तो 2 × 4 विल बी इक्वल। चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, ठीक है, इसको ऐड करके 8 आ गया। 2 × 4 क्या होता है? 8 अगेन। सो दिस मींस दिस इज इक्वल। सो ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। जब आप एक ही नंबर को बार बार प्लस कर रहे होते हो, तो आप उस नंबर को जितनी बार प्लस कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट आवर प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू एडिशन ऑफ इंटीजर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स साइन। सो इंटीजर साइन का मतलब है कि जब आप इंटीजर्स को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उनके पास जो आंसर्स आएंगे, आपके रिजल्ट्स आएंगे, उसमें क्या साइन होंगे। सो हमने अभी एडिशन के टाइम डिस्कस किया था कि उसमें ग्रेटर वाले का साइन आता है। सो अगेन वही सेम रूल है आपके पास, प्लस माइनस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस, प्लस प्लस, प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेंगे देखो, अगर आप ऐड कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट है उसका साइन डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर पे। मीन्स आपने उसमें प्लस किया है या माइनस किया है, तो साइन जो भी बड़ा नंबर होगा उसका आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव -6 + 2, सो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए, वी हैव 4, साइन किसका आएगा? बड़ा नंबर 6 है, तो साइन आएगा माइनस का। सो ये क्लियर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का साइन आता है। बट जब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे चलता है? प्लस माइनस, अगर दो नंबर एक प्लस है एक माइनस, रिगार्डलेस ऑफ बड़ा कौन सा है माइनस छोटा कौन सा है, साइन हमेशा माइनस का आएगा। जैसे कि वी हैव -6 × -2, सो 6 × 2 = 12। अब यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आएगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। क्यों? बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। सेम ये चीज डिवीजन में होती है, अगर आपके पास है -7/2 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो, ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, सो लेट्स टेक इट एज 3। सो अगर आपके पास -6/2 है, सो ये हो जाएगा 3 और साथ में रहेगा माइनस। अब माइनस इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 6 के साथ है, माइनस इसलिए रहा है बिकॉज नीचे प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस। यही अगर यहाँ पे भी नेगेटिव होता, सो ये प्लस हो जाता बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ग्रेटर नंबर देखते हैं कि ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वही साइन रिजल्ट के साथ आएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम ये वाले रूल्स फॉलो करते हैं, दो नेगेटिव नंबर है तो प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही 1 + 1- होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। ओके, सो इस तरह से हमें साइंस का ध्यान रखना है इंटीजर्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, जैसे अभी हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज करी है ऐसे आपके पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज भी होती है। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अभी जैसी एडिशन में थी सेम यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होगा, कैसे लेट्स सी। सो वी हैव ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब इसका क्या मतलब है कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। दिस मीन्स कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, लेट्स सपोज 6 and 2, तो अगर आप इसको लिखते हो 6 into 2 या अगर आप इसको लिखते हो 2 into 6, सो दोनों सेम होंगे बिकॉज 6 into 2 is 12, 2 into 6 is 12। मतलब कि अगर आपके पास नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप उसमें किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, 6 into 2 लिखो या 2 into 6 लिखो, ये एक ही होगा। ओके, सो ये थी हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेम एडिशन वाली एक और है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट्स सी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। अगेन नंबर्स लेके समझते हैं, अगर ये है 2 into 6 into, लेट्स टेक सम अदर नंबर, 2 की जगह लेट्स टेक इट एज 3, ठीक है। आप इसको आप अगर आपके पास तीन नंबर्स है, देखो 2, 6, 3, आपको इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप 2 छोड़ दिया, आपने पहले 6 into 3 कर लिया, फिर जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले आपने 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम आएंगे, देखते हैं। 2 into 6 into 3 is 18, 2 into 18 is 36. Now this is 2 into 6, 12 multiplied by 3. So 12 into 3 is 36. So we can see यहाँ पे भी ये सेम आएंगे, ठीक है। एक और चीज हमारे पास है जो कि प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि देखो अगर आपके पास ये 3 बार आ जाए नंबर्स, जैसे 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स हैं, लेट्स टेक -2, -5 and 3। सो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए, 1 is -2, 1 is -5 and 3। अब इन तीनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, सो -2 into -5 into 3। अगेन आप कोई भी 2 पेयर्स बना सकते हो, पहले इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, जो आएगा उससे 3rd नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 into 5 is 10। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, सो माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस हो गया तो जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें आप इन दोनों का साइन देखोगे, प्लस प्लस प्लस। ऐसे ही जितने मर्जी नंबर्स आ जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक टाइम पे आप 2 ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का हमें साइन देखना है, उस अकॉर्डिंग साइन आगे चलते जाएंगे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव, यही 2 थी एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन में आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो अगर मैं आपको कहती हूँ 2 into 4 plus 7 करना है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। एक तरीका तो है आप इन दोनों को प्लस करके जल्दी से मल्टीप्लाई कर दोगे, बट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो 2 है ये पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, सो ये हो जाएगा 2 into 4 plus 2 into 7, ठीक है। सो मींस अगर बाहर कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर वाले नंबर दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 2 into 4 plus 2 into 7, ठीक है। सो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑल्सो ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत आगे तक यूज होगी, जब आपके पास वेरिएबल वाले नंबर्स होंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे।
ओके सो ये तीन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे एडिशन में फिलअप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 into dash equals to dash into 4। अब इन दोनों को आपको फिल करना है। इसको फिल कैसे करेंगे, 6 into 4 विल बी इक्वल टू 4 into 6। ये ब्लैंक होगा कैसे, इस तरह से equals to this into dash। ओके सो 6 into 4 इज इक्वल टू 4 into 6 एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमुलेटिव। ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स दे देंगे, कहीं पे ब्लैंक होगा कहीं पे नंबर होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और उनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो। जीरो हमें पता है एक इंटीजर होता है। अब जीरो एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करता है, लेट्स सी। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट एडिशन। सो जब आप ऐड करते हो, लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, उसमें जब आप जीरो प्लस करते हो तो आपके पास वही नंबर एज इट इज आ जाता है। लाइक 6 + 0 = 6, -2 + 0 = -2। मीन्स जो भी नंबर होगा वो एज इट इज आ जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 6 - 0 विल बी 6, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव नंबर है, -2 - 0 विल बी -, +2 + 0 = 2, साइन आएगा -2, मतलब कि यहाँ पे -2 ही रहा। लेकिन इसका अगर उल्टा कर दो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या किया, नंबर में से 0 माइनस किया, लेकिन अगर आप 0 में से नंबर माइनस करो, जैसे कि अगर आप करते 0 - 6, सो 0 - 6 आपका 6 नहीं आएगा, 0 - 6 विल बी -6, ठीक है। सो मींस अगर आप नंबर में से या इंटीजर में से 0 माइनस कर रहे हो तो वही इंटीजर एज इट इज आएगा, लेकिन अगर 0 में से इंटीजर माइनस कर रहे हो तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई नेगेटिव इंटीजर माइनस कर रहे हो, लाइक 0 - -2, इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो ये क्या होगा, 0 - -2 + तो ये हो जाएगा +2 विच इज 2, तो ये -2 पॉजिटिव हो गया। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 6 नेगेटिव हो गया, उसी तरह से ये -2 प्लस हो गया, ठीक है। सो ये था जीरो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में इसका क्या होता है। सो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई करते हुए क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज 6 into 0 = 0। इवन इफ इसको उल्टा लिखोगे, 0 into 6 भी 0 ही होगा, मतलब कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो तब भी, ठीक है। सो कितना भी लेंथी नंबर हो, -6, 4, 3, 9, 2 into 0 विल बी 0, ठीक है। सो ये है मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन में देयर इज अ डिफरेंस, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो व्हेन वी डिवाइड, देखो अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, लाइक 6 / 0, तो इसका कोई आंसर नहीं होता, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस विच मीन्स नॉट डिफाइंड। मीन्स आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो उसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, मीन्स ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी का ही रिवर्स कर दो, 0/6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0। मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। सो ये डिफरेंस है डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। 0 क्या क्या रोल प्ले करता है वो हमने अभी समझा। सिमिलरली जैसे 0 है 1 भी है, अब वो डिवीजन में हम देखते हैं क्या करता है। मल्टीप्लीकेशन में तो हम सबको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। डिवीजन में डिफरेंस होता है, अगर आपको कहा जा रहा है 1/4, सो दिस इज 1/4, जो कि 1/4 फ्रैक्शन ही है, लेकिन इफ आई से 4/1, सो दैट इज
4 upon 1 which is 4. अगर ये 1 नीचे है तो वो नंबर as it is आ जाएगा. ठीक है, सो डिवीजन में 1 divided by 4 is 1 upon 4 but 4 divided by 1 is 4 only. Okay? So this was an overview of this chapter. इस chapter में जो भी topics थे mostly हमने इस concepts में clear कर लिए हैं. I hope आपको सारे concepts समझ आ गए और जब आप exercise में जाके questions करोगे so you will find the questions very easy. Okay? So that's it for this chapter. I'll come again with a new chapter. Till then take care and bye-bye.